आज हम बॉक्सिंग स्टांस के बारे में बात करेंगे। बॉक्सिंग स्टांस के लिए आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है, मैं एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, आप या तो ये स्टिक रख लीजिए या आप अपने बीच में एक लाइन खींच सकते हैं। इस तरह से कोई लाइन आप सोच सकते हैं। अब जब आप खड़े होंगे तो आपको स्टिक को बीच में इस तरह से रखना है और अपने पैर स्टिक के दोनों तरफ होंगे। जब भी आप बॉक्सिंग करें तो आपके पैर कभी भी सीधे एक लीनियर पोजिशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है? आपको साइड में इसको रखना है। अब यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहां से देखिए हमारे हाथों की जो पोजीशन है वो किस तरह से होगी। हाथों को लॉक कर लेंगे और ऊपर किस साइड, देखिए जो ये हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, ये बाहर की तरफ आप लोगों को रखनी और हाथों को इस तरह से आप खड़ा करेंगे और बंद करेंगे तो जो ये वाली उंगली है उसकी ये वाली जगह आप क्या करेंगे, यहाँ टच कर लेंगे अपने चिन पे और चिन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, आगे देखेंगे, अपना पैर हल्का सा मोड़ लेंगे और अब आप बॉक्सिंग पोजीशन पे आ गए। जो आपकी कोहनियां हैं उनको हल्का सा टच कर लेना है, बहुत ज्यादा आपको अंदर टच नहीं करना है, बस हल्का सा टच कर लेना है। आगे देखेंगे, अब मूवमेंट देंगे, अपनी बॉडी को हल्का सा मूवमेंट देंगे, ज्यादा आगे या ज्यादा पीछे नहीं झुकेंगे, बस बॉडी को, पूरी बॉडी को साथ में ले जाएंगे, पूरी बॉडी को पीछे लेके आएंगे। इसके बाद अब आता है जैब एंड क्रॉस। जैब हम कैसे करने वाले हैं, अपना जो ये हाथ है ये हमारा सीधा आगे को ट्रैवल करेगा और हमारा हाथ यहां तक ट्रैवल करेगा, जहां पे लास्ट मोमेंट होता है वहीं पर हम इसे ट्विस्ट कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे वन, अब जब हम शुरुआत में करते हैं तो कई बार हम इस तरह से करना शुरू कर देते हैं, पूरा मुड़ जाते हैं, नहीं हमें अपना जो स्टांस है वो इतना ही रखना है और इतना मुड़ना है और सीधे आगे देखना है, हल्का सा आपको शोल्डर हल्का सा आगे करना, ज्यादा नहीं, आपको वन यहां तक इसको शोल्डर को हल्का सा उठाना है। वन टू थ्री फोर फाइव, अब इसमें हम पैर का मूवमेंट ऐड कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, पैर का मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं, हम बाहर की ओर इसको रोटेट करते हैं। अब कई बार हम इसे बहुत ज्यादा रोटेट करना शुरू कर देते हैं, इतना रोटेट नहीं करना है, थोड़ा सा रोटेशन देना है इसको और शोल्डर को इन्वॉल्व करना है अपने पंच के साथ में। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, अब हमारा आएगा क्रॉस। तो जो हम पंच करेंगे तो इस वाले पोर्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव, अब यहां से शुरुआत करेंगे क्रॉस की, तो हम इस तरह से करेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव। यहां जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा जो पैर का रोटेशन है हल्का सा बाहर की तरफ को आएगा और इसी तरह से आप क्रॉस करेंगे, हल्का सा देंगे, ज्यादा आपको नहीं मोड़ना है, बस आपको इतना ही करना है कि आप आगे देख पाए और आपका हाथ वहां तक पहुंच जाए। अब अगर हम कंटिन्यूस करते हैं तो हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हमें पंच करते हुए आगे नहीं झुकना है, इस तरह से हमें आगे पंच नहीं करना है। हमारी जो बॉडी है उसे आप ये मान के चलिए कि एक सरिया जो है वो नीचे हमारी बॉडी को फिक्स किया उसने और हम अपनी बॉडी को आगे नहीं ले जा सकते, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसे देखेंगे बॉटल के साथ में। यहां पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप बॉटल के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहां इन केस ऑफ बॉटल आप इसे यहां रख लीजिए, आप अपनी जो स्टिक है बॉटल टांग लीजिए, पोजीशन लीजिए, अब आप प्रैक्टिस करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। थोड़ा सा आप शोल्डर का मूवमेंट थोड़ा सा क्लोज से देखिए, आप इसे इस तरह से करेंगे वन, आपका जो टच है हैंड जो टच होगा वो यहां टच होना चाहिए आपका, वन टू, इस तरह से आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए, आपका हाथ जो टच होगा वो इस तरह से होना चाहिए। टू, शोल्डर देखिए, जब मेरा जब मैं ये पंच करता हूं
क्रॉस करता हूं हेड, तो मेरा ये हाथ पीछे नहीं जाएगा बल्कि यहीं रहेगा। जब मैं जैब क्रॉस जैब कर रहा हूं तो मेरा ये हाथ पीछे नहीं जा रहा है, वो अपनी जगह पर बना हुआ है। तो अब हम रेडी पोजीशन लेंगे और यहां से प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आप मूवमेंट जरूर कीजिए, इससे आपका पावर जनरेशन होगा और पंच की जो लाइन होगी वो बिल्कुल सेंटर लाइन में आप पंच करेंगे, यहां से नहीं। आपको सेंटर से जाइए, अपने नाक की बिल्कुल सीध में पंच करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आप WhatsApp ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपना जो क्लिप है, उसमें हम आपको फिर से करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।